ममता किचन फ्रेंड्स, आज हम सबको बहुत ही पसंद आने वाली एक चाट बनाएंगे। गोलगप्पा, पानी पूरी या पुचका भी इसे बोल सकते हैं। तो आज हम इसका तीखा और मीठे पानी के साथ पानी पूरी बनाएंगे। तो बनाइए इस तरह से पानी पूरी और मज़े ले लीजिए इस पानी पूरी का। तो बनाते हैं हम गोलगप्पा। मीठे पानी के लिए हमने 3/4 कप इमली ली है, 1 कप गुड़ लिया है और एक बाउल में सबसे पहले हम इमली डाल देंगे, साथ ही में गुड़ डाल देंगे और इसमें हम 2 कप पानी डालकर इसे भिगोने देंगे। 4 से 5 घंटे तक हमें इसे भिगोने देना है, तब तक गुड़ भी पिघल जाएगा और हमारी इमली सॉफ्ट हो जाएगी। तो ढककर इसे रख देते हैं 3 से 4 घंटे। पानी पूरी का तीखा चटपटा पानी बनाने के लिए हमने हरा धनिया लिया है और फुदीने के पत्ते लिए हैं। फुदीना और हरे धनिया को हमें अच्छे से धो लेना है और ये जलजीरा पाउडर है, ऐसे जलजीरा का पाउडर आता है वो ले लिया है हमने। और ये ब्लैक सॉल्ट है, नींबू का जूस है, थोड़ी सौंफ है, हींग है, अदरक का टुकड़ा है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और ये हमने ग्रीन गार्लिक लिया है, हरा लहसुन। आप नहीं खाते तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन तीखा चटपटा पानी पूरी में ये ग्रीन गार्लिक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो जो आप हरा आप लहसुन और प्याज खाते हो तो ये हरा लहसुन जरूर से डालना। और पानी पूरी के फिलिंग के लिए हमने 5 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, भिगो कर बॉईल किए हुए चने लिए हैं हमने 1 कटोरी और मूंग लिया है, इसे भी हमें ऐसे बॉईल कर लेना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो हम सबसे पहले जो हमने इमली भिगो कर रखी थी उसका पानी बनाएंगे, मीठा वाला पानी। ये हमने गुड़ और इमली 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रखी थी, पहले हम इसका पानी बनाएंगे। तो ये इमली और गुड़ हमारी भीग चुकी है, इसे हमें ऐसे हाथ से मसल लेना है, एकदम अच्छे से ये पल्प पानी में निकल जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे सूप स्ट्रेनर से, इसे हमें छान लेना है। फ्रेंड्स, ये पानी मीठा बहुत ही चटपटा बनता है इस तरह से बनाएंगे तो। और ऐसा कहते हैं कि घर की पानी पूरी वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हमने इसमें जो फुदीना डाला है, अदरक डाला है, हरा धनिया है, हम इसमें हींग डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट, ये सभी चीज़ें हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें घर की बनी होनी चाहिए। मसाला है पानी पूरी का, जो फिलिंग हम बनाने वाले हैं, पानी है तीखा या मीठा, और पूरी भी जो हम घर पर बनाएंगे तो ये पानी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस पानी पूरी में टेस्ट भी है और सेहत भी है। तो ये हमने छान लिया है, तो ये हमने छान कर रेडी कर लिया है। अब इसमें हम आधे से पौने कप तक का पानी डालेंगे और जो ये ब्लैक सॉल्ट लिया है हमने वो थोड़ा डाल देंगे, और ये भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून जितना है, ये सारी चीजें हम मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ी बूंदी भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पानी पूरी के लिए टेस्टी मीठा वाला पानी बन चुका है। अब हम तीखा वाला पानी बनाएंगे जो चटपटा होता है, और तीखा चटपटा पानी के लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें ये अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, और ये हमने हरा लहसुन लिया है उसको हम ऐसे तोड़ के अंदर डाल देंगे। और ये फुदीना डाल देंगे,
और हरा धनिया ले लेंगे, ये भी हम इसे ऐसे तोड़कर डाल देंगे। और ये सौंफ ली है हमने, ये भी थोड़ी डाल देंगे, हाफ टी स्पून जितनी हमें डालनी है ये। इसमें हम पानी के बदले थोड़ा आइस क्यूब्स डालेंगे, जिससे हमारा ये पानी का कलर एकदम ग्रीन जैसा रहे। अब पानी भी ठंडा डाल सकते हैं। अब हमें ये सब मिक्सी में पीस लेना है। ये सब चीजें हमारी अच्छे से पीस चुकी है, तो अब हम इसे एक बड़े वाले बाउल में निकाल लेंगे। अब जितनी क्वांटिटी में पानी पूरी का पानी बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी से आप इसमें पानी मिला लें। अभी हम 3 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे हम इसमें। और ये हींग ली है हमने, वो हम हाफ टी स्पून डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हींग से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पानी पूरी के पानी का। और ये जलजीरा पाउडर लिया है हमने, वो भी हम इतना जो हम पानी बना रहे हैं उसमें हम 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम ऐसा हम डालेंगे। थोड़ा ब्लैक सॉल्ट ले लेंगे और जो हमने ये जलजीरा पाउडर लिया है उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है और थोड़ा आमचूर का पाउडर भी होता है, तो उस हिसाब से आप ब्लैक सॉल्ट और नींबू का रस डालिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इतना ग्रीन कलर है, एकदम बढ़िया पानी पूरी का चटपटा तीखा पानी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये बूंदी थोड़ी इसमें डाल देंगे। अब हम आलू का इसका फिलिंग बनाएंगे। और पानी पूरी का फिलिंग बनाने के लिए हमने ये जो बॉइल्ड आलू लिए हैं उसको हम एकदम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे ऐसे। ये बॉइल्ड आलू के हमने एकदम छोटे वाले टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें हम ये बॉइल्ड किए हुए चने डाल देंगे। ये ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। थोड़ा नमक डालेंगे। थोड़ा ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी हींग डाल देंगे हम। और जो ये हमने चटपटे पानी के लिए पीसा था पुदीना धनिया और मिर्ची, इसकी पेस्ट हम 2 चम्मच डाल देंगे। फ्रेंड, इस तरह से आप इसकी फिलिंग बनाएंगे तो ये जो पानी पूरी के पानी के अंदर का टेस्ट है वो भी इस मसाले में अंदर आ जाएगा। तो आप जब ये फिलिंग करके पानी पूरी खाएंगे तो ये मसाला भी एकदम पानी पूरी के पानी जैसा ही टेस्ट देगा आपको। इसके साथ ही थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। और इन सब चीजों को हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। मसाला हमारा मिक्स हो गया है आलू का। तो फ्रेंड्स, हमारा तीखा चटपटा पानी भी रेडी है, हमारा मीठा पानी भी रेडी है इमली वाला, और आलू और चने का मसाला भी हमारा तैयार है। और ये हमने सूजी की पूरियाँ बनाई है, पानी पूरी की घर पे ही बनाई है। हम इसे यूज़ करेंगे, आप मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन घर की बनी हुई पूरियाँ टेस्ट में भी अच्छी है और हेल्थ में भी अच्छी है।
तो ये पूरी बनाने का वीडियो भी हमने आगे दिखाया है। तो ये पूरी बनाने के लिए इस वीडियो की लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप लिंक ओपन करके रवा की पूरी जो सूजी आती है उसकी पूरी भी पानी पूरी की घर पे बना सकते हैं। तो हम अब इसे असेंबल करेंगे। ये जो ग्रीन वाला पानी है हम वो ले लेंगे। और ये जो मीठा वाला पानी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम जो ये पूरियां हैं इसमें मसाला भर देंगे इस तरह से। थोड़ा मूंग भी डाल देंगे। मूंग भी पानी पूरी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा पूरी के अंदर भी पानी डाल देंगे हम। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी एकदम चटपटी सी पानी पूरी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर सब चीज़ें घर की बनी हो तो सेहत के लिए भी अच्छी है और टेस्ट में तो अच्छी है ही। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी तीखा और मीठा पानी के साथ चटपटी पानी पूरी।